संसद के बजट सत्र में गुरुवार को भी किसान आंदोलन पर वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिला। कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा में आने वाले राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को राज्यसभा में मोदी सरकार का पक्ष रखा। संबोधन के दौरान उन्होंने कांग्रेस के अपने पुराने साथियों को खूब सुनाया। वहीं दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के बयान पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि आप जिस तरह से यूपीए सरकार का पक्ष रखा करते थे, उसी तरीके से आपने मोदी सरकार का पक्ष रखा है। वाह महाराज जी वाह। आपके माध्यम से माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं। माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा है। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज, हमेशा रहे आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नए कृषि कानूनों का बचाव करते हुए कहा कि किसान देश के लिए रीढ़ की हड्डी और अन्नदाता हैं, तथा वे अपने ही नहीं पूरे विश्व का पेट भरते हैं। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून इसलिए लाए गए ताकि उनकी प्रगति हो सके। उन्होंने आगे कहा कि देश को राजनीतिक आज़ादी करीब 70 साल पहले मिल गई थी, लेकिन किसानों को उनकी वास्तविक आज़ादी नहीं मिल पाई। किसान भारत के विकास की रीढ़ की हड्डी है। किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, क्योंकि किसान अपना पेट नहीं भरता, किसान अपने गांव का पेट नहीं भरता, किसान अपने जिले का पेट नहीं भरता, लेकिन आज किसान पूरे विश्व का पेट भरता है। और इसी सोच और विचार के साथ सभापति महोदय, हमारी सरकार ने ये तीन कृषि कानून हम लेके आए हैं ताकि कृषि के क्षेत्र में नया विकास हो, नई प्रगति हो। सोच और विचारधारा है कि जो राजनीतिक आजादी हमें मिली थी 70 साल पूर्व, लेकिन 70 साल से जब तक किसान बेड़ियों में जकड़ा गया है, उन बेड़ियों को तोड़कर किसान को विकास और प्रगति के रास्ते पर प्रशस्त करना, ये एनडीए सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है। भाजपा नेता ने आगे कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों को आज़ादी मिल सकेगी और वे देश भर में कहीं भी अपनी उपज बेच सकेंगे, जिससे उनकी आय भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ 11 बार संवाद हुआ है और सरकार ने 18 महीने कानून स्थगित करने की बात भी की है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। किसान को स्वतंत्रता मिले कि वो अपना उत्पादन देश में कहीं भी बेच पाए। एक ही जगह तक वो किसान सीमित क्यों हो? और इसलिए ये कानून लाए गए और जरूर संवाद होना चाहिए। जैसे मेरे भाई मनोज जी ने कहा, 11 बार सरकार ने संवाद की है। जब डेडलॉक हुआ है तब सरकार ने यह भी कहा है कि तीनों कानून को हम 18 महीनों के लिए स्थगित करेंगे। इस क्रम में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सिंधिया ने कहा कि पार्टी ने 2019 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में कृषि सुधारों का वादा किया था। इसके अलावा एनसीपी नेता और तत्कालीन यूपीए सरकार में कृषि मंत्री शरद पवार ने 2010-11 में हर राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनिवार्य बनाने संबंधी बात की थी। सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, जुबान बदलने की आदत बदलनी होगी, जो कहें उस पर अडिग रहें। उस समय के हमारे कृषि मंत्री जी परम आदरणीय शरद पवार जी ने 2010 में और 11 में हर एक मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी इसी संदर्भ में। और मैं कोट करना चाहता हूं जो शरद पवार जी ने हर एक मुख्यमंत्री को चिट्ठी में लिखा था। एज यू आर अवेयर, द एग्रीकल्चर सेक्टर नीड्स वेल फंक्शनिंग मार्केट्स टू ड्राइव ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री। This requires huge investments in marketing infrastructure, including the cold chain. And for this, private sector participation is essential. I repeat, and for this, private sector participation is essential. Niji kshetra ka nivesh anivarya hai, for which a policy environment needs to be in place. वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।